Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes, a channel with an aim of simplifying the basic concepts of physiotherapy. आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरे व्यूअर द्वारा रिक्वेस्टेड टॉपिक इंटरफेरेंशियल थेरेपी या IFT के बारे में. आई बिलीव मेरे सारे व्यूअर्स को इस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन देखकर और सुनकर काफ़ी फायदा होगा. इंटरफेरेंशियल थेरेपी एक इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है जिसमें दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करेंट्स के यूटिलाइजेशन से एक लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है. IFT इस टर्म में एक वर्ड है इंटरफियर और इसी पे बेस्ड है IFT का प्रिंसिपल. अगर हम IFT के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इट कैन बी स्टेटेड दैट The principle of IFT is to cause two medium frequency current of slightly different frequencies to interfere with one another. Where they do so, a new resultant frequency current is set up. Definition में मैंने आपको बताया कि IFT में दो medium frequency current की मदद से एक low frequency effect को produce किया जाता है. और अगर हम principle की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो medium frequency के current को इस तरीके से human body में दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से interfere करें. और जहाँ वो इंटरफियर करेंगे वहाँ पे एक न्यू रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी के करंट का प्रोडक्शन होगा. सो अगर आप इंटरफेरेंशियल थेरेपी के प्रिंसिपल को याद रखना चाहें बहुत सिंपली आप इस इंटरफियर वर्ड को समझ लीजिए और बस उसके आगे इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट का इंटरफेरेंस किया जाता है, इससे एक लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस होता है. यहाँ जो मैं दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स की बात कर रही हूँ वो दोनों मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जाहिर है दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के होंगे, लेकिन यस उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा. एम्पलीट्यूड यानी इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड. और ये जो दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं इन IFT, इन्हें कहा जाता है करियर करंट्स. ये जो दो करियर करंट्स होते हैं ये एक इंडिविजुअल के बॉडी टिश्यूज में जब जाते हैं इनका रास्ता एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी ये एक दूसरे को इंटरफियर करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफियर करते हैं. दैट टू डीप इन द बॉडी टिश्यूज. और इस इंटरफियरेंस से एक पल्सिंग इफेक्ट या बीट फ्रिक्वेंसी बनता है उस एरिया पे जहां ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं. अक्सर एक चैनल में ये जो करियर करंट है ये फिक्स रहता है एट 4000 हर्ट्ज और दूसरे चैनल में ये वैरी कर सकता है या फिक्स भी रखा जा सकता है. और इन दो करंट्स का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है बीट फ्रिक्वेंसी. अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर चैनल वन में करियर करंट है फिक्स्ड एट 4000 हर्ट्ज और चैनल टू में ये वेरिएबल होता है, सो अगर हम इसे सेट करते हैं एट 3900 हर्ट्ज तो रिजल्टेंट बीट फ्रिक्वेंसी होगा 100 हर्ट्ज का. सो 4000 हर्ट्ज और 3900 हर्ट्ज के ये दो फ्रिक्वेंसीज को जब पेशेंट के बॉडी पे अप्लाई किया जाता है तो 100 हर्ट्ज का लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पे एक बात आपके जहन में ज़रूर उठ रहा होगा अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये कि बार बार मैम कह रही हैं कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी के करंट से एक लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो हम डायरेक्टली लो फ्रिक्वेंसी करंट क्यों नहीं दे देते, फैराडे या गैल्वेनिक दे दिया जाए. ये इसलिए क्योंकि जब भी करंट का फ्रिक्वेंसी कम होता है टिश्यू का, स्किन टिश्यू का जो रेजिस्टेंस होता है जिसे हम स्किन इम्पीडेंस कहते हैं वो ज़्यादा रहता है. लो फ्रिक्वेंसी करंट के लिए स्किन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, यानी आप कह सकते हैं कि करंट का जो फ्रिक्वेंसी है और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 50 हर्ट्ज के करंट के अगेंस्ट आपके स्किन का इम्पीडेंस होता है अराउंड 3200 ओम्स. वहीं पे अगर 4000 हर्ट्ज के करंट के अगेंस्ट देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस होता है ओनली 40 ओम्स. तो आप फर्क देख सकते हैं. सो दैट आपके पेशेंट को लो फ्रिक्वेंसी करंट के ज़्यादा इंटेंसिटी से कोई डिस्कम्फर्ट ना हो इसकी वजह से दिया जाता है दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट. जहाँ ये इंटरफियर करते हैं वहां पे लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं लो फ्रिक्वेंसी करंट. सो लो फ्रिक्वेंसी करंट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगी.
बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके, और इसीलिए इन सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट के द्वारा लो फ्रिक्वेंसी करंट यू नो प्रोड्यूस किया जाता है। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। इसी नोट पे आज का वीडियो खत्म करती हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं IFT के और डिटेल्स में आपसे बातें करूँगी कि IFT कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है, IFT को प्रोवाइड करने के या अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके क्या होते हैं, क्लिनिकल फील्ड की बात करें या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की। ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे करियर के लिए, और बिलीव मी प्रोफेशनल्स, क्योंकि अच्छे से वो बेसिक्स पढ़ के नहीं जाते, आगे जाकर काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं इस IFT के मशीन को चलाने में। सो फ़र्क होना चाहिए एक टेक्नीशियन और एक ग्रेजुएट फिजियोथेरेपिस्ट के बीच। इसीलिए आपको जानना चाहिए कि किस तरीके से, किन प्रिंसिपल्स में बेस करके इस मोडालिटी को हम यूज़ करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे कंटेंट में तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी और आप उसे तब चेक कर पाएंगे। मेरे चैनल के दूसरे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कीजिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किए हुए हैं और आगे भी करती रहूंगी। और अगर कंटेंट अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, जूनियर्स में लिंक को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टिल देन स्टडी हार्ड।